यमुनानगर में गेहूं की खरीद को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर आज किसान जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि अनाज मंडियों में आढ़ती किसानों से कई प्रकार का खर्च ले रहे हैं, तो वहीं मंडियों में गेहूं की लिफ्टिंग भी बहुत बड़ी समस्या है। आज मांग है गेहूं की लिफ्टिंग के बारे में। आज सरकार जो बोलते हैं कि 72 घंटे के अंदर किसान को उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आज मंडियां अटी पड़ी हैं अनाज के कारण। हमारा जे फार्म कट चुका है, कई कई 8-8 दिन हो चुके हैं, आज तक किसान के खाते में पैसा नहीं आया। जब बात करते हैं अड़ती से, अड़ती बोलते हैं कि जब लिफ्टिंग होगी तब उसके 72 घंटे के बाद पेमेंट आएगी। ये नाजायज है। किसान का तो जिस दिन मंडी में माल आ चुका, जे फार्म कट गया, हमारी तो उस दिन फसल बिक चुकी है। अब लिफ्टिंग 15 दिन ना हो, इसका किसान पर क्या कसूर? तो हमारी को जिस दिन जे फार्म कटता है उसके 72 घंटे के अंदर किसान को उसकी फसल की पेमेंट मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और एक हमारी मांग है, सरकार ऐड दे रही है, बार बार बोल रही है कि किसान जो फसल लेकर अपनी मंडी में आएगा उस पर किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन आज भी अनाज मंडियों में अगर यमुनानगर की बात करें तो अड़ती नजायज कई प्रकार के खर्चे लगा रहे हैं। 16 रुपये प्रति क्विंटल तक किसानों से काटा जा रहा है, वो किस नाम का? इसकी भी सरकार जांच करे, इसकी भी कमेटियां बनाई जाए, पता करे मंडियों में जाकर ये धंधाली क्यों हो रही है, क्यों किसान को लूटा जा रहा है। और पिछले दिनों हरियाणा के CM मनोहर लाल जी यमुनानगर में आए थे, जब बरसात हुई थी, बरसात के कारण फसलें खराब हुई थी, तब हमारे मीडिया के साथियों ने पूछा कि किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का बयान था कि ये जो बरसात हुई है ये तो किसानों के लिए लाभदायक है। आज मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आज आंकड़ा ले लें कि पिछले साल कितनी गेहूं की फसल पैदा हुई थी, कितना उत्पादन हुआ था, कितनी फसल मंडी में आई थी, और आज अब की बार कितनी फसल आई है। जो पिछले साल जिस प्रति एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं निकली थी, अब की बार वो मात्र 2 क्विंटल से लेकर 10 और 12 क्विंटल तक एवरेज किसानों की आ रही है, ये लाभदायक हुई है। जो मांग हमने की थी वो हमारी बिल्कुल जायज मांग थी, मुआवजा किसान को खराब हुई फसल का मिलना चाहिए, और आंकड़ा एक सरकार के पास हर है, और 24 घंटे के अंदर हमारी फसल की पेमेंट होनी चाहिए, ना कि लिफ्टिंग के बाद नहीं, जे फार्म कटने के बाद। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल YouTube चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज, पंजाब दी आवाज अजीत।